बी ऑफ है ना।
बार देखो, चेक करो सृष्टि मैम। गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग आप लोग को भी, भाई बहन सब लोगों को। ना पहला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन लगा तो एक बार शेयर करेंगे बोल के बोल, है ना। ए कॉम्पाउंड मेड ऑफ पार्टिकल्स, ए कॉम्पाउंड मेड ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी, कॉम्पाउंड मेड ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी फॉर्म्स सी सी पी लैटिस। कॉम्पाउंड मेड ऑफ पार्टिकल्स ए बी एंड सी फॉर्म्स सी सी पी लैटिस। इन द लैटिस आयोन्स ए ऑक्यूपाई, इन द लैटिस आयोन्स ए ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स, आयोन्स ए ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स, आयोन्स बी एंड सी, आयोन्स बी एंड सी ऑक्यूपाई, आयोन्स बी एंड सी ऑक्यूपाई द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स, आयोन्स बी एंड सी ऑक्यूपाई द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स। इफ ऑल द आयोन्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगनल्स, इफ ऑल द आयोन्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगनल्स आर रिमूव्ड, if all the ions along one of the body diagonals are removed, then formula of the compound is, then formula of the compound is option a 3.75 b3 c3, that is the formula। ऑप्शन ए का आंसर ए 3.75 b3 c3, ऑप्शन बी का आंसर ए 3.75 b3 c4, ऑप्शन सी ए 3 b 3.75 c3, ऑप्शन सी ए 3 b 3.75 c3, ऑप्शन डी ए 3 b 3 c 3.75, ऑप्शन डी ए 3 b 3 c 3.75। आई विल रिपीट, ऑप्शन ए 3.75 b 3 c 3, ऑप्शन बी ए 3.75 b 3 c 4, ऑप्शन सी ए 3 b 3.75 c 3, ऑप्शन डी ए 3 b 3 c 3.75। क्लियर? हाँ ठीक है ना। ओ गॉड, करो करो करो।
कितने मार्क्स का था सर प्रियांशु सर? 40। आप लोग सब लोग को था सबको सेम स्कूल है तुम लोग? कौन से स्कूल से? तो बहुत सारे केवी से। और आप ये पीछे वही इसके पीछे वही स्कूल है जो पहला मालूम है मेरे को। इलेवेंथ ट्वेल्थ भी है उसमें? कैसा स्कूल है वो? गर्ल्स स्कूल है, कोएड है उसके बाजू में ही। जीडी बोल तो आंसर आ गया? नहीं है? क्या बोला उन्होंने? बॉडी डायगोनल रिमूव करो बोला है ना, ये कॉर्नर से उधर नीचे का कॉर्नर ऐसा, तो समझ में आ गया इधर का कॉर्नर गया उधर का कॉर्नर गया। और इसमें दो टाइप ऑफ आयंस है, एक बी एक सी। बी ऑक्यूपाइज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर, सी ऑक्यूपाइज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर। है कितने टेट्राहेड्रल वायर? 8। 4 बी ऑक्यूपाई करते, 4 सी ऑक्यूपाई करते है ना। और टेट्राहेड्रल वायर में आपको बताया था कैसा किधर होता, इधर एक होता है ना, इसके पास 1, 2, 3 और वो 4, ये चारों को मिलाए तो एक टेट्राहेड्रल वायर इधर ही दिखता ना। नहीं समझे? ये कॉर्नर 1, ये फेस सेंटर 2, ऊपर का फेस सेंटर 3, उधर साइड का फेस सेंटर 4, ये 4 एटम मिलाए तो इधर जो मेरा उंगली दिखा रहा है उधर तरफ बीच में टेट्राहेड्रल वायर दिखेगा। अब बॉडी डायगोनली जब आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो तो वो गया एक टेट्राहेड्रल वायर है ना, वो गया उधर भी एक टेट्राहेड्रल वायर रहेगा ना नीचे के हिसाब से, तो वो भी गया इधर बी का गया तो उधर सी का जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर है ना। तो मतलब बी एक गया, सी एक गया है ना, और नीचे से मतलब ना अपन बॉडी डायगोनली रिमूव कर रहे हैं ना, सिर्फ बॉडी डायगोनली। अब उसका बाकी सबसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ बॉडी डायगोनली रिमूव कर रहे हैं, मतलब बॉडी डायगोनल में जो है एटम्स उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? नहीं समझे? हाँ, और क्या बोला भाई? ए एटम्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट, मतलब ये तो पूरा ही ऑक्यूपाई करता ना। लैटिस पॉइंट मतलब क्या है? पूरे 8 कॉर्नर और 6 फेस, तो 4 ए होना चाहिए है ना। 8 × 1/8 में 2 × 1/8 नहीं रहता, आया नहीं आपको समझ में आ रहा? 1 1/8 उधर का नहीं रहता, 1 1/8 उधर का नहीं रहता, तो 2 × 1/8 नहीं रहता, मतलब 1/4 नहीं रहता, तो 4 में से 1/4 हटा दो। आर यू गेटिंग मी? 4 एटम्स में से 1/4 हटा दो ए का, बी में 4 में से 1 हटा दो, सी में 4 में से 1 हटा दो, आ गया आंसर। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया बेटा? 8 कॉर्नर्स ना, 8 × 1/8 ना, उसमें से 2 कॉर्नर नहीं है, मतलब 2 × 1/8 कॉर्नर आर मिसिंग। 2 × 1/8 मतलब 1/4। टोटल लैटिस पॉइंट्स में से कितने में से मिसिंग हो रहा? 4 में से 1/4 हटा दो, दैट इज ए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको ये बात?
सर फिगर बना के समझा दीजिए एक बार। फिगर बना के समझा दू क्लास में, अभी मैं बताया था वही चाहे और कुछ भी नहीं बेटा। देखो ये है क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, अब बॉडी डायगनली रिमूव कर रहा बोल के बोले ना, अब लैटिस पॉइंट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लैटिस पॉइंट्स, और 1 2 3 4 5 6 फेस पोजीशंस, तो ये पूरे कोन ऑक्यूपाई कर रहा ए, मतलब 4 होना चाहिए एक्चुअली, 4 होना चाहिए, बट बॉडी डायगनली जब आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा ऐसा बॉडी डायगनली जब आप इमेजिन कर रहे हो तो ये गया ठीक है, तो 2 into 1 by 8 रिमूव, 8 into 1 by 8 होना चाहिए ना, क्या कंफ्यूजन है, ये तो ये बोला मैं बॉडी डायगनल ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, ऐसा भी ले लो, इधर से इधर ले लो या इधर से इधर ले लो, ये होगा फेस डायगनल, फेस डायगनल ये होगा ऊपर का, ये फेस डायगनल, 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 फेस डायगनल, समझ में आया, बॉडी डायगनल जो मैं अभी बोला, तो बॉडी डायगनल में सपोज ये ले रहा हूं तो कॉर्नर्स दो गए तो 8 into 1, 8 corners into 1 by 8 अपन जो बोले थे उसमें से 2 कॉर्नर्स गए, मतलब 2 into 1 by 8 पार्ट रिमूव हो गया, नहीं समझ में आ रहा, 1 by 8, 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 तो उधर का एक 1 by 8 गया, इधर का ऊपर का एक 1 by 8 गया, मतलब कितना गया, 1 by 4 गया, कौन सा गया, ए गया, कितने थे, 4 थे, 4 में से 1 by 4 गया तो कितना आता वो देख लो आप, कितना आता ये 4 3.75 से, हाँ 16 15 by 4 ना, 4 3 12 30 3 7 28 5 3.75 आ गया ए, अब टेट्राहेड्रल वायर एक इधर का जाता एक इधर का जाता, एक इधर बी का जाता एक इधर सी का जाता, तो 4 minus 1 मतलब 3, 4 minus 1 मतलब 3, तो आंसर हो गया ए 3.75, बी 3 सी 3, ठीक है, समझ में आया प्रिंस आप लोगों को बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है ना बेटा अभी, जी सर, सॉलिड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या बोला क्वेश्चन में देखो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला उसके हिसाब से अपन किए, अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगनल, तो प्लेन बोल के नहीं बोला तो अपन लाइन समझ के ही देख लेंगे ऐसा, लाइन बोल के समझ लो फिर, प्लेन बोल के स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया तो लाइन ही समझो, प्लेन बोल के मेंशन किया तो प्लेन समझना पड़ता, तो बोला नहीं ना उन्होंने, है ना, अच्छा तो और एक दे दो ऐसा बाद में, पहले ये दूसरा ले लो, सेकंड क्वेश्चन, ए सॉलिड ए बी कैपिटल लेटर्स, ए सॉलिड ए बी हैज सीशियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर CsCl, सीशियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर फुल स्टॉप, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज
404 picometer. The edge length of the unit cell is 404 picometer. कितना? नहीं नहीं कितना बोलो 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 नहीं नहीं बोलो चार ऑप्शंस में हाईएस्ट नहीं हुआ आंसर ठीक है सर एज लेंथ कितना बताया 404 पिकोमीटर बेटा द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस आयंस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस आयंस बताओ सर बताओ प्रियांशु करो और बताओ करो बेटा सब लोग ऑनलाइन से जाता ना ये क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट कर सकते हो ना यस सर आंसर बताओ करके बीसीसी बोला नहीं क्या मैं इसमें हाँ सीशम क्लोराइड बोलने का मतलब वही छे बीसीसी ना सीशम क्लोराइड इज एन एग्जांपल फॉर बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर नहीं है ऑप्शंस नो ऑप्शंस नहीं नहीं इनको बोल ही आस्क्ड मी समथिंग आई वाज स्पीकिंग टू हिम नहीं आपको क्या आया आपके कैलकुलेटर को तो आपको क्या आया क्या बात है सृष्टि जी करेक्ट है करेक्ट आंसर Very good. Keep it up. Seriously, good. Question समझिए आप सब लोग ध्यान दीजिए He did not give you which type of cubic structure because it is given as cesium chloride. When it is given as cesium chloride, it is understood that it is going to have BCC type of structure. है ना व्हेन इट इज बीसीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू विल हैव वन बॉडी एटम इन द सेंटर है ना वन बॉडी एटम इन द सेंटर थ्री डेज बैक व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी आई टोल्ड यू इफ दिस इज द कॉर्नर देन दिस इज नॉट द नियरेस्ट नेबर That body atom, which is in the center, that is the nearest neighbor. है ना? तो उसका distance कितना बताया मैं? Root 3 by 2 into A. Radius is root 3 by 4 into A. You must understand this point. Radius is root 3 by 4 into A. But here he is not asking you radius. He is asking you the edge length is given. Calculate the distance of Closest approach between two ions. Closest approach मतलब nearest neighbor.
And what is he asking you? Distance. So what is distance is equal to root 3 by 2 into A, not root 3 by 4 into A. What root 3 by 4 into A is radius, not distance. Did you get my concept here? Clear, Abhi? So root 3, 1.732 into A value, how much? 404 divided by 2. Solve it. She got the right answer. How much you got, beta? 349. Here it is rounded as 349.9 picometer. Good. So 349.9 picometer is the actual answer. Is that clear, online students? Clear, beta, yes, online sir. Students? Yes, sir, clear. Perovskite structure बताया था क्या मैं आपको? Perovskite question दिया था, बताया नहीं था मगर question दिया था, है ना बेटे? है ना? तो लिख लो वो spinal, inverse spinal वो सब बता दिया था, है ना? Corundum क्या? अच्छा ठीक है, एक काम करो, डायमंड तो बताया था ना अभी, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, डायमंड वगैरह नहीं बताया? अभी बताया था ना बेटे? नहीं, क्या बात कर रहे हो? फिर का मतलब फ्लोराइड मतलब CF2, एंटी फ्लोराइड मतलब Na2O। हाँ बेटे, और ये वाला जिंक सल्फाइड, प्रियांशु जी नहीं सुने क्या? रिकॉर्ड है? ठीक है, प्लीज लिसन। लिसन ऑल ऑफ यू नाउ, परोवस्काइट आई डोंट थिंक आई हैव डिस्कस्ड इवन इन दैट प्रीवियस लेक्चर, मतलब वो बोर्ड के टाइम पे भी, तो इसलिए परोवस्काइट लिख लीजिए, PERVOSKITE, परोवस्काइट, PERVOSKITE, परोवस्काइट स्ट्रक्चर, PERVOSKITE, द परोवस्काइट स्ट्रक्चर, परोवस्काइट स्ट्रक्चर इज अ क्यूबिक लैटिस, is a cubic lattice with barium ions. Barium बोले तो Ba2+ बोल रहा हूँ. Ba2+ ions occupying the corners of the unit cell. O2- ions occupying face centers titanium 4+ ions occupying the center of unit cell.
दस द फॉर्मूला इज क्या होगा फॉर्मूला BaTiO3 कैसा वो भी लिखा हो क्या जरूरत है क्या Ba2+ ions 1/8 × 8 corners तो 1 Ti4+ 1 body center तो 1 ऑक्साइड आयंस फेस सेंटर तो 6 × 1/2 3 तो इसलिए BaTiO3 ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 6:15 तक पढ़ाऊंगा मैं सेम क्वेश्चन सेम आंसर एवरी डे बट द स्टूडेंट हू आस्क स्लाइटली डिफरेंट टुडे हाँ क्या बोले बेटे कौन से संडे को ये सब आप मेरे से बात ही मत करो बाहर बात कर लो है ना बेटे एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा टाइप का एक कर लिए आप तो देखेंगे फिर ये कर पाएंगे या नहीं है ना दे दो हाँ क्या बेटा If NaCl is doped with 10⁻³ mole percent, if sodium chloride, that is if NaCl is doped with 10⁻³ mole percent GaCl3. What is the concentration of the cation vacancies? ऐसा एक को रहे थे तो उसी के ऐसा करके मेरे को बताओ आंसर फटाफट What is the concentration of cation vacancies? We have done such type of question. बस वो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड लिया था पेज पलटाने से नहीं होता Recollect. And do ठीक है कैसा इतना इजी फटाफट आ गया नहीं गलत है हाँ हाँ 3.01 भी गलत है और कुछ गलत है गलत है बस हिंट तो दे दिया उधर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड था इधर कुछ और है बस उतना ही फर्क और कुछ भी फर्क नहीं सिर्फ उतना ही फर्क That's it. Oh God.
तो आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये जीए है क्या, ये कौन सा फैमिली से आता है, वो आ गया तो आंसर आ गया सिंपल. स्ट्रॉन्शियम कम्स फ्रॉम सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. So strontium is from second group. So it will have plus two charge. So one strand strontium, when it occupies, two sodium ions will be removed. That means one sodium ion vacancy is created because another sodium ion place is occupied by strontium. So one strontium ion will create one cation vacancy. That was the explanation for such a type of similar question with respect to strontium chloride. But here, it is not strontium chloride. It is gallium. This is from boron family. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. These are the elements. Now, boron means it comes from which group? 13th group. What will be the positive charge you will get in that particular family? Plus 3. So, each gallium will have how many positive charges? Plus 3. That means how many sodium ions must be removed? 3 sodium ions. Good. When 3 sodium ions are removed, how many sodium ions will be occupied? Only one. By whom? Gallium. So how many cation vacancies are created? Two. That's it. So two into the same concept what you have done earlier. 10 to the power minus 3 divided by 100. That is 10 to the power minus 5. Into 6.02 into 10 to the power 23. That is 6.02 into 10 to the power 18, but multiplied by 2. Why 2? Because 2 cation vacancies. There it was 1. Hence the answer was 6.02 into 10 to the power 18. But here it is 2. Why it is 2? Because here it is gallium. So what happens when it is gallium? It creates 2 cation vacancies. Why does it create 2 cation vacancies? Because it will have 3 positive charge. So hence 3 sodium ions must be removed. And only one sodium ion position will be occupied by gallium. So remaining two will be vacant. So that will be multiplied. Is that clear? Online students, samajh mein aaya beta? Yes, sir. Good. Phir se batao. 12 point something into 10 to the power 18. If it is 1.2, then it is 10 to the power 19. 1.2046 into 10 to the power minus 19 per mole. Minus 19 kyo? 19. 19 per mole. Next question. मैं बोलो बोर्ड के ऊपर ही कर दूंगा, फिर कर दो एक बार, कर दो, बोलो, फिर शर्माने का नहीं, थोड़ा मेरा वजन कम हो जाता, उससे ज्यादा क्या होता है ना, अच्छा है ना वजन कम हो. क्या प्रियांशु जी उसे में हो? हाँ क्या बेटा नहीं, जितना आशा तो उतना अच्छा हेल्थ के लिए है ना. 10 टू द पावर माइनस 3 ना, परसेंट बोला ना, तो 10 टू द पावर बाय 100, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स. 1 मोल
we know it is 6.02 into 10 to the power 23. So 10 to the power minus 4 equal to kitna? So 10 to the power minus 5 into 6.02 into 10 to the power 23. So ye aa gaya bhai 6.02 into 10 to the power 18. Hai na? But one gallium, it will occupy, it will create, in fact, it will create two cation vacancies. Hai na? So, matlab, this should be multiplied by 2. So, ye aa gaya bhai 12.04 into 10 to the power 18, ya fir, or 1.204 into 10 to the power 19 moles. ठीक है बेटा, अरे भगवान थोड़ा नहीं, वजन कम करना पड़ेगा मुझे, है ना, फिट हो जाते फिर कुछ तो करना पड़ेगा. देखो आपका टारगेट, देखो मेरा टारगेट, देखो आपका टारगेट है एग्जाम में रैंक लाना, वो पढ़े तो हो जाता, मेरा क्या करूं? हाँ बोलो सर, इतना इजी है? इजी है क्या? दिस इज करेक्ट. मन की बातें बोलते अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज विल पावर. करेक्ट, गुड, अच्छा बोला, थोड़ा मन को समझाता हूँ. कर भाई कर बोल के, नहीं वो पैरों में दर्द है, वो पिंच करते रहता, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है. आज कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग का चल रहा है ना, 4-5 घंटे भी खड़े रहे तो पता नहीं चलता. टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर पता चल जाता कि पैर में दर्द है, बैठना पूछो. आइडियल आराम से, आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन मतलब इट विल फॉलो राउल्स लॉ, है ना, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी जीरो, और टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, उसके हिसाब से करना पड़ता बिकॉज इट इज आइडियल सॉल्यूशन. अगर वो आइडियल नहीं होता तो फिर इट इज नॉट इक्वल टू दैट फॉर्मूला, तो फिर वो नेगेटिव डिविएशन या पॉजिटिव डिविएशन दिखाई देता, वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल के ऊपर. जैसा इथेनॉल और एसीटोन है तो वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता, पॉजिटिव डिविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता. क्यों बढ़ जाता? क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन आर वीकर, तो इजिली वो ब्रेक हो गया और इजिली एस्केप हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ा. नेगेटिव डिविएशन में ए टू बी इंटरेक्शन मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो मतलब इजीली ब्रेक नहीं होता. जब इजीली ब्रेक नहीं हो रहा बॉन्ड सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो फिर वो एस्केप इजीली नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता. उसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. P not A XA plus P not B XB. Next question. मैं इंटरव्यू को आया, आप लोग मेरे को इंटरव्यू कर रहे हो, यार ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे को. पहला मेरा क्वेश्चन, फिर बाद में आपका.
एक आपका एक मेरा, एक आपका एक मेरा, ऐसा करेंगे। बोल रहा हूँ मैडम, बोल रहा हूँ एक मिनट। सॉल्यूशंस के पास ही जाएंगे। चलो एक छोटा सिंपल क्वेश्चन। टू लिक्विड्स TWO2 लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड। टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन The resulting solution is found to be cooler. What do you conclude about the deviation? From ideal behavior? Correct, Prince sir. Answer is correct. The answer is the solution shows positive deviation from ideal behavior. Aisa ek aur question reasoning type ka. पता नहीं ये नीट में शायद पूछ सकता है, ऐसा लग रहा मेरे को। ऐसा तो होता फिर मेरा क्लास। Why does the use of pressure cooker reduce cooking time? Why does the use of pressure cooker reduce cooking time? Answer likh lo iska. Likh lo answer. At high pressure, over the liquid. At high pressure over the liquid, due to weight of the pressure cooker lid, the liquid starts boiling at higher temperature. Therefore, cooking occurs faster. Pressure cooker मालूम है? उसके ऊपर लिड लगा के सीटी लगाते, उसका वेट के वजह से वो हाई टेम्परेचर के पास हीट हो रहा है, मतलब बॉईल हो रहा है, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर के पास कुक करे तो क्या होता, जल्दी पक जाता।
प्रेशर गिर रहा ना उसके ऊपर, उसके वजह से। हाँ जितना क्या बोलते हैवी लेड कुकर से नहीं, आप हैवी लेड कुकर लगा के सिम में छोटा सिम में डाल के आप बना दे तो जल्दी क्यों बनेगा भाई, बनेगा क्या? टेम्परेचर हीट करना पड़ता ना, हाई टेम्परेचर है ना, हाई हीटिंग। आप जो पूछे ना वैसा टाइप का क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वो भाई साहब जो पूछे थे, भाई साहब का नाम भूल गया, नीरज साहब जो पूछे थे, ठीक है अभी याद रखूंगा पक्का, नीरज डोंट माइंड, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। अभी जानते हो? अच्छा ठीक है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, ऐसा ही लग रहा देखेंगे, हेप्टेन वो और कुछ हो जाता ना नीरज, सेम क्वेश्चन है तो। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एंड आइडियल सॉल्यूशन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एंड आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स आर, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स आर 105.0 kilopascals and 46.0 kilopascals, 0 kilopascals same hai respectively. What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure of the mixture? What will be the vapor pressure of the mixture of 25 grams of heptane, 25 grams of heptane and 35 grams of octane, 35 grams of octane. Same hai question. वो values में ना ठीक है, as I told you just now, P is equal to P naught A XA, P naught B XB, this is the formula. So what is that you need to calculate? XA, so NA plus NB, similarly XB, NB divided by NA plus NB, ये calculate करना है। ए क्या है? हेप्टेन, C7H16, बी क्या है? ऑक्टेन, C8H18, 7 12s 84 plus 16 100, 8 12s 96 plus 18 114 मॉलिक्युलर मास, molecular mass.
मास कितना दिया, वेट ऑफ 15, 25 ग्राम्स ना, और वेट ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम्स. तो दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई रोट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 15, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन. ऑटोमेटिकली दैट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन, है ना. एंड देन सब्स्टिट्यूट. प्रेशर तो दिया हुआ है दोनों का, 15 का भी दिया ऑक्टेन का भी दिया. आप सॉल्व करो इसको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 15 इज इक्वल टू वेट ऑफ 15, 25, मॉलिक्यूलर वेट 100, तो ये आ गया 0.25. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 35 डिवाइडेड बाय 114, ये आएगा 0.3. आप देख लेना बाद में. सो सब्स्टिट्यूट हियर. एक्स ए मतलब 15, एक्स बी मतलब ऑक्टेन. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 15, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्टेन. दिस इज एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन. आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, एन ऑक्टेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन. एन हेप्टेन इज 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.3. एन ऑक्टेन इज 0.3, 0.25 प्लस 0.3. So this is 0.25 divided by 0.55 na, 0.55 hai na, 0.3 divided by 0.55. this will give you values 0.45, 0.55. डिवाइडेड बाई 0.55, 0.45, 0.55. करेक्ट है क्या, देखेंगे एक बार. जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई 0.55 इज 0.45. करेक्ट है. 0.3 डिवाइडेड बाय 0.55, 0.545, ये भी ठीक है, करेक्ट है. तो ये आएगा बेटा 0.45 और ये आएगा 0.55 अप्रोक्सीमेटली. अब वो फॉर्मूला P इज इक्वल टू P नॉट A, मतलब हेप्टेन का कितना दिया वेपर प्रेशर 105 इंटू 0.45 प्लस ऑक्टेन का 46 इंटू 0.55. इसको सॉल्व करो, आ जाएगा प्रेशर मिक्सचर का, और ये आपको आएगा भाई 72.55. 72.55 किलो पास्कल्स, ठीक है. क्लियर बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है ना बेटा. अरे भगवान, थोड़ा जो भी पढ़े वर बुक में तो बेटा 72.55 दिया, इसलिए मैं आई रोट दैट. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट, आई हैव रिटन द बुक आंसर. If you get 72.8 whatever, fine, accepted. 70? उतना ही आ रहा क्या? हाँ ठीक, उतना ही था. ठीक है. Next question.
उसमें तो दिया ना डायरेक्टली वेपर प्रेशर दे दिया। जरूरत ही नहीं, तो वही बोल रहा हूँ, इसमें तो दिया ना आपने ऑलरेडी, ही गेव अस द वैल्यूज, डायरेक्टली गेव अस द वैल्यूज, वेपर प्रेशर वैल्यूज, उसको ही कंसिडर करना पड़ता है ना। ये ले लो, एट 80 डिग्री सेल्सियस, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mmHg, 520 mmHg, and that of pure liquid B, and that of pure liquid B is 1000 mmHg at 80 degree Celsius. The vapor pressure of pure liquid A is 520 mmHg. And that of pure liquid B is, and that of pure liquid B is 1000 mmHg. If a mixture of solution A and B, if a mixture of solution A and B boils at 80 degrees Celsius, boils at 80 degrees Celsius and one atmospheric pressure, and one atmospheric pressure, the amount of A in the mixture is, the amount of A in the mixture is, bracket mein likhiye, one atmosphere is equal to 760 mmHg. ये तो अपन बेसिक्स पढ़े थे स्टार्टिंग चैप्टर में। करो सेम फॉर्मूला P इज इक्वल टू P0A XA plus P0B XB, सेम फॉर्मूला, बस इतना फर्क है कि आपको XB के जगह पर 1 minus XA लेना पड़ेगा, उतना ही फर्क है। P equal to P0A XA plus P0B XB, P is equal to P0A XA plus P0B into 1 minus XA, that's it, तो XA निकल जाएगा। And what is P here? 760 mm, because it is one atmosphere. करेक्ट बेटा, 0.5 आएगा XA, देयरफॉर मोल परसेंट विल बी 50। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेम फॉर्मूला बेटा,
पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के जगह पर वन माइनस एक्स ए, पी इज इक्वल टू लिखो कितना 760 mm, और पी नॉट ए कितना दिया 520, पी नॉट बी कितना दिया 1000, इसको सब्सटीट्यूट करो तो एक्स ए निकल जाता और एक्स ए विल बी इक्वल टू 0.5, तो मोल परसेंट विल बी 0.5 into 100, दैट इज 50। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है क्या? यस सर। हो गया नीरज? नहीं हुआ, हो गया बेटा जमाना प्रिंस, हो गया आप 51.2 पे? हाँ तो 0.5, 1/2 क्या है, 0.5 क्या है, ऑप्शन देखना पड़ता ना क्या दिया उसके हिसाब से। आया प्रियांशु? हो गया नीरज आपका बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा सेम मॉडल के लाइट ले लो, आप ये कर लिए तो फिर इसके पीछे क्या, विल सी अनदर टाइप। Write down what mass of non-volatile solute bracket mein urea bracket close needs to be dissolved in 100 grams of water in order to decrease the vapor pressure of water by 30%, what will be the molality of solution? तो इसमें दो चीज निकालना है, एक तो पहले मास
और एक बार मास निकालने के बाद मोलालिटी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सुनिए बेटा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट सुनिए बेटा। यस सर, सुन रहे हैं। पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, वी नो दिस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Some books, they might give you this as P naught minus Ps by P naught is equal to X2. Doesn't make any difference. Ps, when they are writing, it means that it is vapor pressure of solution. Hence, they are writing Ps. Is that clear? Okay. So, this formula, P naught minus Ps by P naught is equal to X2, what I have already studied, what we have already covered already, is applicable for dilute solutions. As I told you yesterday only, colligative properties applicable for dilute solutions and electrolytic, non-electrolytic solutions. Let's say if it is not dilute, solution is not dilute, then this formula will become P naught minus Ps by Ps is equal to X2. There's a difference. P naught minus Ps by P naught, I said earlier, for dilute solutions. And now I am saying if it is not dilute, what do I mean by not dilute? मतलब सोल्यूट परसेंटेज इज मोर इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सोल्यूट इज ऑलमोस्ट लाइक, ठीक है, तब फिर अपने को पता चलता है इट्स नॉट डाइल्यूट। इन सच केसेस व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स टू। इफ इट इज डाइल्यूट, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। क्लियर है या लिखू बोर्ड पे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखू क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, लिखू क्या? यस सर, एक बार लिख दीजिए। व्हेन इट इज डाइल्यूट द ओल्ड फॉर्मूला ओनली, we know the same formula, P naught by P naught minus Ps by P naught is equal to X2. This is when it is dilute. This is when it is dilute. Second one, what I am saying is P naught minus Ps by Ps is equal to X2 when it is not dilute. So this is the formula we need to use here in this case. नीचे वाला और X2 क्या है आपको मालूम है? N2 by N1। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। अरे भगवान, थोड़ा P नॉट कितना दिया? 100। थर्टी परसेंट टू डिक्रीज
What mass of non-volatile solute needs to be dissolved in 100 grams of water in order to decrease the vapor pressure of water? Vapor pressure of water by 30%. So, 100. So, 100 minus 70 divided by 100 kaisa? 70 aayega. Formula change ho gaya na, abhi bola. W2 weight आपने को निकालने का है, molecular weight water का आपको मालूम है 18, और weight of water 100 grams, weight of solute urea NH2 CONH2 60, तो W2 आ जाएगा, और एक बार W2 आने के बाद molality calculate करो, P0 minus PS by PS is equal to W2, that is weight of solute into molecular weight of solvent divided by weight of solvent into molecular weight of solute. Ulta na, N2 by N1. What is N2? W2 by M2. What is N1? W1 by M1. M1 upar chale gaya, M2 niche aa gaya. Wohi bol raha hu. Apne ko nikalna kya hai? W2. Baki sab dal do. W1 kya hai? 100 grams. मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? 60. मॉलिक्युलर वेट ऑफ वाटर कितना? 18. कितना रहा बेटा? 143.3. तो आप कैलकुलेशन गलत करे, यू सेड 14.3 नो, 143.3. क्या बोलो, क्या बोलो बेटा? हाँ, 23.8, 24.3 नहीं. मैं सोचा आप अपने में बात कर रहे हो. फिर से, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब यूरिया, नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30%. व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन? W2 143.33. 100 minus 70 by 70 is 30 by 70. 3 by 7. 3 by 7 is equal to W2 into 18 by 100 into 60. Solve it.
ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन जो अपने को मालूम, इसको रिवर्स करो, ये क्या बन जाता, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस यस है ना, वो जो इससे पहले फॉर्मूला लिखा ना, आपको लग रहा होगा कि ये हवा में से कहां से उड़ के आ गया, आई टोल्ड यू वन फॉर्मूला जस्ट नाउ, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स टू, फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट, वो समझा रहा हूं, वो कहां से आया, रिवर्स करो तो ये क्या बन जाता, रिवर्स करे तो इसका, इसको ऐसा भी लिख सकते ना अपन, वन प्लस एन टू बाई एन वन बोल के भी लिख सकते ना, है ना, तो वन इधर आ जाता तो इधर एन टू बाई एन वन, एन टू बाई एन वन रह जाता, हाँ पहले पहले इधर बेटा, नहीं समझा, वन प्लस ये मालूम है ना क्या है, एक्स टू है ना ठीक है, अपन क्या लिखे थे इस फॉर्मूला में, ये लिखे थे ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, ये लिखे थे है ना, तो ठीक है पहले ये बता देता हूँ, ये 100 माइनस 70 बाई 70 और ये एक्स टू बोले तो एन टू बाई एन वन, सिर्फ एन वन क्यों मैं बताता हूँ, तो एन टू बोले तो डब्ल्यू टू बाई एम टू, एन वन बोले तो डब्ल्यू वन बाई एम वन, 30 बाई 70 ये चाहिए डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 30 इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई 70 इंटू एम वन, तो ये आ गया 30 इंटू सोल्यूट 60 डब्ल्यू वन 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 18, ये हो गया 1000 बाई 7 वन जा 34 जा 28 23 ठीक है, अब मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया 143.3, मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट 60, 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का 100, तो ये 143 हो जाता 1433 डिवाइडेड बाय 60, अब इसको सॉल्व करो, 62 जा 120 23 233 ये हो गया प्रॉब्लम, ये लिख लो फटाफट, इसके बाद अब भी ये लिखते कि इमीडिएटली ऑनलाइन स्टूडेंट होते कि बता देना बेटा, ये आंसर उसके बाद और एक तीन चार क्वेश्चन करेंगे,
हो गया। एक काम करो, हेडिंग लिखो अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। ये क्वेश्चन हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया ये क्वेश्चन? सर कर रहे हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नहीं, बोर्ड के ऊपर लिखा ना मैं। अच्छा ये हो गया, और कौन सा कर रहे फिर? इसके बाद तो मैं कुछ दिया ही नहीं सर। कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर रही थी मैं खुद से। रब कर दूं ना बोर्ड? यस सर। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। When the solution is not dilute. अपने को मालूम है P naught minus PS by P naught is equal to NB, NA plus NB. ये अपने को मालूम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। एन टू बाई एन वन प्लस एन टू बोलो या एन बी बाई एन ए प्लस एन बी बोलो। एन बी रिलेटिव करस्पॉन्ड्स टू सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। रिवर्स दिस इक्वेशन, ऑन रिवर्सिंग दिस इक्वेशन, इसको रिवर्स करो। ऑन रिवर्सिंग दिस इक्वेशन ठीक है, ये स्टार्टिंग अपने को जो पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इन सम बुक्स दे आर मेंशनिंग इट एज पीएस, नो डजंट मेक एनी डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू नो, है ना? इधर यू राइट पीएस और इवन इफ यू राइट ओनली पी, हाउ डज इट मैटर? इट मींस वन एंड द सेम। तो ये हो जाता पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस, और ये हो जाता एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन बी। तो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस, इसको लिख सकते ना वन प्लस एन ए बाई एन बी, ऐसा लिख सकते हाँ प्रिंस, ऐसा लिख सकते हैं। तब ये वन को इधर ला लो, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन, वन उधर चले गया, एन ए बाई एन बी। अब एलसीएम पी नॉट माइनस पी एस, ये पी नॉट और ये माइनस पी नॉट प्लस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। तो ये बन जाता पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी, और तो कैसा लिख सकते हैं P नॉट माइनस
PS by PS is equal to NB by NA. ठीक है, वो लिख लो बेटा जो लिखा बोर्ड के ऊपर. पता नहीं, एक में अगर मैं अपना हाथ लगा दिया कॉन्सेंट्रेटेड तो मेरा हाथ जल जाएगा, दूसरे में लगाऊंगा तो डाइल्यूट है. सोल्यूट सॉल्वेंट से, सोल्यूट सॉल्वेंट से. तो आपको क्या बोल रहा है, यू नो व्हाट मास ऑफ नॉन ट्रांसफर नीड्स टू बी डिसॉल्वड इन 100 मोल इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर वाटर बाय 30%. व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन? हाँ, वॉल्यूम का किधर जिक्र किया? वॉल्यूम का तो कुछ है ही नहीं ना इसमें. वही तो बोल रहा हूँ, मोलालिटी की बात चल रही तो वॉल्यूम कहाँ से आ गया? हाँ वो मैं समझ में आ गया, मैं वो बाद में वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ. समझ गया, उनका बात समझ गया मैं, उनका बात समझ गया मैं. What mass of non-volatile solute means it is dissolved in 100 grams of water. 100 gram pani hai. In order to decrease the vapor pressure of water by 30%. Huh? Aa ja. तो इस लाइन से ही समझना शायद अपने को इस क्वेश्चन के हिसाब से, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30%, इसके हिसाब से ही फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन ऐड कर रहे, इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो रहा. हाँ तो उधर से ही फिर अपने को समझना पड़ता शायद कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है. तो क्या हो गया, घर में सर नहीं लग रही? उसे था, अब ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं सर कि आपको एग्जैक्टली डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं बताता कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा ही कुछ तो भी एक लाइन रहता, उससे अपने को समझना पड़ता दोनों. हाँ नहीं, किधर गया वो? क्वालिटी बुक है वो, सीरियसली बेस्ट बुक फिजिकल केमिस्ट्री. एंगेज एस वर्मा. अगर दोनों सेम होता तो ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता ना. अगर आप जो बोल रहे हो ना कि दोनों सेम है, कभी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है फिर मेंशन करने का? देयर शुडंट बी एनी पॉइंट टू डिराइव इट सेपरेटली लाइक दिस टू एक्सप्लेन यू दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट दिस इज हाउ वी नीड टू यूज, है ना. डेफिनेटली इसका भी इन्फ्लुएंस होगा क्वेश्चंस पे, है ना. अब इस क्वेश्चन में
इसको ही मान के चलना पड़ता कि इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30% उस लाइन के हिसाब से ही समझना पड़ता कि ये शायद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्योंकि वाटर का वेपर प्रेशर कम कर रहा है। एक तो कंफर्म है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ऑब्वियसली, इसीलिए तो वेपर प्रेशर वाटर का कम हुआ सॉल्यूशन में, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, वाटर का नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज्ड। There is no other alternative apart from this. देखता हूँ फिर भी मैं इसका और कुछ रीजन था क्या बुक में, इसमें तो बुक में तो नहीं दिया फिर, और ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, मेरे को जो इतना नॉलेज है बुक्स के हिसाब से है। रंजीत शाही एक है फिर उसमें थियरी अच्छा देता फिजिकल केमिस्ट्री, रंजीत शाही, और फिर प्रॉब्लम्स के लिए तो फिर वो अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी, मगर उसमें थीरी कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ प्रॉब्लम्स रहते, सिर्फ क्वेश्चंस, कुछ भी थीरी नहीं रहता। इसमें डिटेल रहता है इंफॉर्मेशन कंप्लीट अप टू द डेप्थ ऑफ एडवांस लेवल, सब कुछ ए टू जेड। नहीं सीरियसली, एक एक चीज जितना अंदर जाना चाह रहे हो उतना अंदर जाके पढ़ सकते हैं इसमें, रंजीत शाही में भी पूरी अन शर्मा और एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है देखेंगे फिर। एक और क्वेश्चन, एटीन ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ब्रैकेट में C6H12O6 ब्रैकेट क्लोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वॉटर in a saucepan. At what temperature will the water boil? At one atmosphere, bracket close. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. क्या लिखा है? निकालो और बताओ आंसर क्या है। हाँ 373.202 के आपको जो आया डेट इज पार्शियल बेटा,
फिर उसको अपन निकालना पड़ता, जो आपको आया ना, वी नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट. टी बी इज सॉल्यूशन, टी बी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. जो आपको आया डेट इज 0.052 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 0-100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन. तो इधर आ गया तो प्लस बन जाता ना, 373 प्लस 0.052, आंसर विल बी 373.052. नहीं जो भी है 373.15 है ना, एग्जैक्टली. तो 373.15 प्लस 0.052 ऐड कर दो, 373.202. मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लिया, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो लिया, इसीलिए. आ गया सबको ये आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आया क्या बेटा? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. On dissolving 0.25 grams, of a non-volatile substance, in 30 ml benzene, on dissolving 0.25 grams of a non-volatile substance in 30 ml benzene, bracket mein density 0.8 gram per ml, bracket close, its freezing point decreases by, its freezing point decreases by 0.25 degrees Celsius. Calculate the molecular mass. Calculate the molecular mass of non-volatile substance. Calculate the molecular mass of non-volatile substance. Bracket mein Kf equal to 5.1. Kelvin kilogram per mole. Kf equal to 5.1 Kelvin kilogram per mole. Bracket close. फटाफट करो और आंसर बताओ. कितना है?
हाँ कितना है बेटा? हाँ उतना ही आसपास, 213.33 चलता, 213.33। पहले मास निकालो किसका, बेंजीन का। कैसा निकालते, वॉल्यूम दिया 30 ml, डेंसिटी दिया कितना 0.8। तो वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 30 × 0.8, ठीक है ना, दैट इज 24 grams। उसके बाद केएफ का वैल्यू दिया 5.12, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 0.25, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया 0.25 डिग्री सेल्सियस। पूरे को सब्स्टिट्यूट करो, दैट विल गिव यू द आंसर। करूं क्या बोर्ड पे ऑनलाइन स्टूडेंट? कर दूं? देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अपने को जो फॉर्मूला पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, ठीक है ना, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन, बट अपने को एम टू चाहिए, तो के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है। हाँ क्या क्या दिया, पहले अपने को क्या चाहिए, केएफ कितना दिया 5.1, डब्ल्यू टू 0.25, और डेल्टा टीएफ और डब्ल्यू वन, हाँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना दिया बेटा, और वॉल्यूम 30, तो ये हो गया 24, है ना, तो 24 × 1000, है ना। अब ये सॉल्व कर लो, कौन सा क्या हो गया, नहीं नहीं प्रियांशु नहीं बोलो रहा, फिर जाना है, अरे भगवान थोड़ा नेक्स्ट वन। In a cold climate, water gets frozen. In a cold climate, water gets frozen, causing damage to radiator of a car. In a cold climate, water gets frozen, causing damage to radiator of a car. Ethylene glycol to radiator of a car. Ethylene glycol is used. Ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. Ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. Calculate the amount of ethylene glycol to be added. Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kilograms of water
calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kilograms of water to prevent it from calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kilograms of water to prevent it from freezing at minus 6 degrees Celsius bracket mein kf for water equal to 1.85 kelvin kilogram per mole ethylene glycol मतलब क्या है अल्कोहल्स हो गया आपका बताओ इथिलीन क्या है व्हाट इज इथिलीन इथिलीन हाँ क्या बोले बेटा इथिलीन तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है कितने कार्बन है वो तो बोलो पैसा दो नीरज जी प्रिंस सबाना जी आपका नाम अंकित जी प्रियांशु जी ईथीन फॉर्मूला क्या है ईथीन C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इथिलीन क्या है फिर क्या हो गया ईथीन इज आयुपैक नेम Ethylene is common name. Same. No difference. CH2 double bond CH2 is ethene. CH2 double bond CH2 is ethylene. Ethylene. You are calling because it's a common name. Propene. Propylene. Butene. Butylene. Pentene. Pentylene. Common name. Ethylene glycol now. CH2, single bond CH2. OH, दो कार्बन को एक ही कार्बन के ऊपर दो OH नहीं वैसा नहीं होता वो अनस्टेबल हो जाता दो कार्बन को OH. समझ में आया That's ethylene glycol. C2H4O2 बेटा है ना नहीं C2H6O2 62 होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हो क्या नहीं गलत कितना आ रहा बेटा आंसर
सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस इन द फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, व्हाट आई रोट ऑन द बोर्ड, मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर वेट निकालना पड़ता, डब्ल्यू कौन किसका चाहिए वेट, अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब डब्ल्यू टू निकालना पड़ता, सो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई के एफ इंटू थाउजेंड, के एफ कितना दिया 1.85, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना 62, वाटर कितना दिया 4 किलोग्राम, हाँ 804 करेक्ट, 804.32 ग्राम, आपको क्या लगा 994, गुड आ गया। सेम वे हाउ आई डिड ऑन द बोर्ड, बस फर्क बोर्ड के ऊपर जो करे थे डेट वॉज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट और इस क्वेश्चन में टू डिटरमाइन वेट डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू इक्वल टू एम टू इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई के एफ इंटू थाउजेंड, अब वो किलोग्राम में दिया तो थाउजेंड लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नीचे थाउजेंड लिख रहे तो ऊपर उसको 4000 लिखो, फिर एक ही बात है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो W2 इज इक्वल टू 62 इंटू 4000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.85, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा W2 इज इक्वल टू 804.32 ग्राम्स, 804.32 ग्राम्स। लिखूं क्या बोर्ड पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर, लिखू क्या, नो सर, आ गया 804.32, 41 आया लास्ट में, चलता चलता चलता, सो W2 इज इक्वल टू 62 इंटू 4000 इंटू 6 बाई 1000 इंटू 1.85, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज इसमें तो आपको आंसर आएगा W2 इक्वल टू 804.32 ग्राम्स, ठीक है बेटा 804.32 आया शबाना जी, सबको आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्वियस सोल्यूशन कंटेनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी डब्ल्यू टू एक्वियस सोल्यूशन और एक्वियस सोल्यूशन वट एवर कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 7 grams ऑफ यूरिया, 7 grams ऑफ यूरिया ब्रैकेट में मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 60 grams, एंड 42 ग्राम्स ऑफ
42 grams of substance X. 42 grams of substance X in 100 grams of water. 42 grams of substance X in 100 grams of water. Freeze at the same temperature. In 100 grams of water, freeze at the same temperature. Calculate the molecular weight of X. Calculate the molecular weight of X. फटाफट करो और बताओ. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स. ओह गॉड. नहीं. पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ है. हाँ करेक्ट. क्या क्या दिया हुआ है बोलो. एक तो यूरिया है, इसका वेट कितना दिया 7 grams, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया 60 grams. और क्या दिया? वाटर 100 grams है. एक्स सब्सटेंस. हाँ डेल्टा डी एफ सेम. और डेल्टा डी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन इंटू एम टू. है ना? ये पहले केस के लिए. क्या चाहिए? हाँ एम टू इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 divided by W1 into delta T. KF W2 kita diya bhai? 7. Haan, wahi kar raha hu. Wahi kar raha hu. Alag alag likh de tu na, sab log ko clear ho jata. Pehle case mein kya, second case mein kya, fir kaisa katta, kya nahi. Wo sab clearly likh raha. और क्या है? 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन कितना 100 डेल्टा डी एफ टी एफ. दिस इज इक्वल टू 60. है ना? 60. सेकेंड केस सेम. एम टू इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू डेल्टा डी एफ. के एफ डब्ल्यू टू कितना दिया?
100 into delta T is equal to M2. A second. KF गया, KF गया, 1000 गया, 100 गया, 1000 गया, 100 गया, delta T F गया, delta T F गया, है ना? तो ये कितना हो गया 42 by M और ये कितना हो गया भाई 7 by 60. तो M is equal to 42 into 60 by 7, 76. तो M कितना हो गया भाई 360. ना क्या हो गया, एक मिनट हो गया. हाँ थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब बोलते बोलते हो जाए. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आ गया ये वाला. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया ये वाला? यस सर. ठीक है ना, रब कर दूं बोर्ड? यस सर. ठीक है ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. चले रब द बोर्ड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, यस सर. ठीक है.